नमस्कार, वेलकम यू गाइस वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए यूनिट सेकंड की शुरुआत की थी, जो कि थी हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। अभी तक हम पढ़ चुके हैं समावयवता के बारे में पढ़ चुके हैं, और हमने क्या पढ़ा, हमने समावयवता देखी कितने प्रकार की होती, क्लासिफिकेशन किया उसका। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, हमने नेक्स्ट लेक्चर जो उससे पहला पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा कि पीपीएल लाइट्स क्या होती है, और थोड़ा उसमें डिफरेंस भी देखा था कि संरूपण और विन्यास से समावयवता जो होती है, समावय होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, जो कि इम्पोर्टेंट भी था, पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, अब हम जो हमारी प्रकाशिक समावयवता थी उसको हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे प्रकाशिक समावयवता का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे जो हमने पहले भी देख चुके हैं, तो हम वो जल्दी जल्दी वो इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम उसमें आरएसबी करेंगे, इरिथ्रोथ्रियो नोमेनक्लेचर करेंगे, डीएल नोमेनक्लेचर सीखेंगे, तो धीरे धीरे हम सब कुछ सीखेंगे। तो हम देखते हैं कैसे होता है ये सब, हमें क्या पढ़ना है डिटेल में। प्रकाशिक समावयवता पढ़नी है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, MERISM, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा होगा, प्रकाशिक, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का मतलब क्या है, प्रकाश, यानी कि किससे रिलेटेड है, प्रकाश से। प्रकाश कौन सा प्रकाश, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं पीपीएल क्या होती है, पीपीएल वो होती है जो, पीपीएल कैसी लाइट होती है, पीपीएल एक ऐसी लाइट होती है जो केवल, जिसके जो कंपन होते हैं वो केवल एक ही दिशा में होते हैं। बहुत से बच्चों को पिछले लेक्चर में समझ में नहीं आया होगा कि कंपन एक ही दिशा में होने का मतलब क्या है। आप ऐसे समझो, ये जो रूम है इसमें एक बल्ब चल रहा है ना, उस बल्ब की लाइट क्या केवल किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, नहीं ना, पूरे कमरे में फैली हुई है। यानी कि ये जो एक ऐसा प्रकाश है जिसके कंपन क्या है, सभी डायरेक्शन में हो रहे हैं, जो सभी डायरेक्शन में क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको किसी तरह से ऐसा कर दूं कि केवल एक ही डायरेक्शन में लाइट दिखाई दे, तो उसको क्या कहेंगे हम, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो समतल ध्रुवित प्रकाश जो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। तो बहुत सारी तरह के मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास, कार्बनिक मॉलिक्यूल, कुछ तो होते हैं जो पीपीएल के प्रति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यानी अंतःक्रिया प्रदर्शित करते हैं, उसे घुमा देते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन बहुत से ऐसे कार्बनिक यौगिक भी हैं जो पीपीएल के प्रति कोई व्यवहार नहीं दर्शाते, यानी कि उन पर कोई, पीपीएल पर कोई इफेक्ट नहीं डालते। जो पीपीएल पर इफेक्ट डालते हैं, पीपीएल को घुमा देते हैं, उनको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव, क्या कहा जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव। हिंदी में बोलते हैं ध्रुवण घूर्णक। अभी हिंदी के वर्ड बहुत अजीब है, तो मैं तो इंग्लिश के वर्ड यूज करूंगी, बाकी तुम लोगों की मर्जी है कि तुम हिंदी के वर्ड यूज करना चाहते हो या इंग्लिश के वर्ड यूज करना चाहते हो, बाकी हिंदी में आपको बता दूंगी। मैं तो इंग्लिश के वर्ड यूज करूंगी, मुझे हिंदी के वर्ड बहुत अजीब लगते हैं। तो जिन पदार्थों में या जिन कार्बनिक यौगिकों में, जिन अणुओं में क्या देखा जाता है, पीपीएल के प्रति व्यवहार प्रदर्शित करते हुए देखा जाता है, जिन अणुओं को, उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। और जो ये व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन तो हम पीछे भी बहुत देख चुके हैं, हम यहाँ कॉमन कॉमन पॉइंट्स लिखेंगे ना, डेफिनेशन देखेंगे, तो फिर आप पीछे देखो, हमने पीछे दिखाई हुई है डेफिनेशन। अब तो हमें यहाँ केवल इसको डिटेल में समझना है। तो क्या यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वे कार्बनिक अणु जो जो किसके प्रति, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, मैं तो शॉर्ट में लिखूंगी पीपीएल, समतल ध्रुवित प्रकाश, आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जो पीपीएल के प्रति अंतरक्रिया दर्शाते हैं, मतलब पीपीएल को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे अणु क्या कहलाते हैं, मैं तो लिखूंगी ऑप्टिकली एक्टिव। अब तुम लोग देख लो कि तुम क्या लिखोगे, मैं तो लिखूंगी इसको ऑप्टिकली के प्रति अंतरक्रिया दर्शाते हैं, चौड़ कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, इसको बोलते हैं हिंदी में ध्रुवण घूर्णक। तुम्हें लिखना है हिंदी में, तो लिखने का क्या लिखोगे, ध्रुवण घूर्णक, यहाँ पर लिख देते हैं ध्रुवण घूर्णक, ये तो बोलने में भी नहीं आते।
तो वे कार्बनिक कण जो पिघल के प्रति अंतर्क्रिया दर्शाते हैं, ऐसे अणु क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं। और जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? प्रकाशिक समावयवता। यानी प्रकाशिक समावयवता किसमें पाई जाएगी? उसके लिए मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अब हमें यह देखना है कि मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए किस किस कंडीशन की जरूरत होती है, या आखिर मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा क्या हो कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। यानी हमें कंडीशंस देखनी है मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी पैदा करने के लिए। तो देखते हैं हम क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या क्या कंडीशंस की जरूरत है? तो हम देख सकते हैं जिन अणुओं में काइरैलिटी, क्या बोलते हैं, जिन अणुओं में क्या पाई जाती है? काइरैलिटी। काइरैलिटी को हिंदी में बोलते हैं किरैलता। क्या बोलते हैं? किरैलता। तो मैं जो वर्ड यूज करना है वो तुम यूज कर लो, मैं तो काइरैलिटी यूज करूंगी। तो जिन अणुओं में काइरैलिटी पाई जाती है, क्या पाई जाती है? काइरैलिटी पाई जाती है, काइरैलिटी पाई जाती है, या आणविक असममिति पाई जाती है। आणविक असममिति पाई जाती है, वे क्या होते हैं? वे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए दो कंडीशंस की जरूरत है। पहला तो है काइरैलिटी। पहला क्या होना चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर? किरैलता होनी चाहिए, काइरैलिटी होनी चाहिए। दूसरा आणविक असममिति, जिसको मैं इंग्लिश में बोलूंगी मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। एसिमेट्री, एक तो होता है सिमेट्री, सममिति मौजूद हो, और एसिमेट्री का मतलब क्या है? एसिमेट्री का मतलब है कोई भी सिमेट्री एलिमेंट हमारा जो मॉलिक्यूल उसके अंदर उपस्थित नहीं होना चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होता है, बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, सारे सिमेट्री एलिमेंट्स बताऊंगी वन बाई वन। तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या दो कंडीशंस होनी चाहिए? एक तो मॉलिक्यूल में क्या होनी चाहिए? काइरैलिटी होनी चाहिए, काइरैल होना चाहिए मॉलिक्यूल, और दूसरा उसके अंदर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है मॉलिक्यूल के अंदर तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी कि क्या होगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पीपीएल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। उसके दो रूप होंगे, एक जो क्लॉकवाइज घुमाएगा वो, और एक जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा वो। ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे। दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे? दर्पण प्रतिबिंब। लेकिन ऐसे दर्पण प्रतिबिंब जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना हो, इसी को हम क्या कहते हैं? काइरैलिटी। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ काइरैलिटी क्या होती है, नहीं समझ में आया तो हम दोबारा देख लेते हैं। एक मिनट मार्कर ले लिया। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं काइरैलिटी क्या होती है। मैंने अभी बोला मॉलिक्यूल की मिरर इमेज होनी चाहिए, यानी कि एक जो हमने मॉलिक्यूल लिया उसकी मिरर इमेज होनी चाहिए, और दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए, दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए। मतलब पहले भी मैं बता चुकी हूँ, कोई भी पूछे काइरैलिटी क्या होती है, आप ऐसे अपने हाथ दिखा दीजिएगा, ये होती है काइरैलिटी। क्या होती है काइरैलिटी? ये होती है काइरैलिटी, हैंडेडनेस। क्योंकि काइरैलिटी का एक कॉमन नेम भी क्या है, इसको बोलते हैं हैंडेडनेस। हैंडेडनेस मतलब जैसे कि हमारे हाथ हैं, जैसे कि हमारे दोनों पैर हैं, दोनों क्या हैं? दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं। आपको दिख रहा होगा, देख सकते हो, ये वाला हाथ इस वाले हाथ की क्या है? मिरर इमेज है। मैंने सामने वाला फेस लिया है, ठीक है। मिरर इमेज मतलब अगर मैं यहाँ पर एक मिरर रखूं, अगर मैं यहाँ पर एक क्या रखूं, मिरर रखूं, तो उसमें मेरा हाथ बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा जैसे ये वाला हाथ है। ये वाला हाथ कैसे दिखाई देगा? जैसे ये वाला हाथ है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? बीच में एक मिरर प्लेन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। अब मैं इनको एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करूं, एक दूसरे के ऊपर रखूं, तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रहे हैं? नहीं हो रहे। इसका अंगूठा इधर है, इसका अंगूठा इधर है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहे। इसका मतलब मेरे दोनों हाथ क्या है? काइरल है। मेरे दोनों हाथ क्या है?
काइरल है, मेरे दोनों पैर क्या है, काइरल है। सिर्फ मेरे ही नहीं, तुम्हारे भी दोनों हाथ क्या है, काइरल है। दोनों पैर भी क्या है, काइरल है। मिरर इमेज तो है लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। लेकिन बहुत से बच्चे तो क्या करेंगे, नहीं अध्यारोपित कैसे नहीं होते, लो हो गए अध्यारोपित। ये क्या किया, लो उठा के यहाँ पे अध्यारोपित कर दिया। ये वाला फेज है, ये वाला फेज है। अध्यारोपित कैसे करोगे अगर हम ये वाला फेज लेकर चल रहे हैं, ये वाला फेज लेकर चल रहे हैं तो इसी प्लेन में, इस प्लेन की बात कर रहे हैं। कौन से, ये तो सामने प्लेन चल रहा है, इसी प्लेन की बात कर रहे हैं। तो अध्यारोपण भी हम इसी प्लेन में करेंगे। अगर रोटेशन भी करनी है तो केवल इसी प्लेन में करेंगे। यानी मैं ऐसे रोटेट करूं, ये मेरा हाथ था, मैं कोशिश की रोटेशन की, ऐसे की रोटेशन, ऐसे अध्यारोपित किया, नहीं हुआ। और रोटेशन की, ऐसे की, इसी प्लेन में, ये क्या हो रही है, इसी प्लेन में हो रही है। ऐसे किया, अब अध्यारोपित किया, अब भी नहीं हो रहा। यानी कि जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, जिस प्लेन में हम लेकर चल रहे हैं, उसमें कैसे भी रोटेट करेंगे, इधर करूं मैं, इधर करूं, या पूरा नीचे तक रोटेट करूं, तब भी ये अध्यारोपित नहीं होगा। लेकिन जब मैं इसको ऐसे रोटेट करती हूँ, हम ये प्लेन की बात कर रहे थे, यहाँ ऐसे घुमाओ, इस प्लेन में ऐसे घुमा लो, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इसको ऐसे घुमाती हूँ, ये तो प्लेन के आउट चला गया। हम तो इस प्लेन की बात कर रहे थे, ये तो प्लेन के कहाँ चला गया, आउट चला गया। ये आउट ऑफ प्लेन रोटेशन हो गई। तो आउट ऑफ प्लेन रोटेशन जो होती है वो अलाउड नहीं होती, आउट ऑफ प्लेन रोटेशंस अलाउड नहीं होती। यानी कि हम इसको आउट ऑफ प्लेन लाकर अध्यारोपित नहीं कर सकते, इन प्लेन ही करना है। और इन प्लेन करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे। यानी कि हमारे दोनों हाथ क्या है, काइरल है। हमारे हाथों में क्या मौजूद है, काइरेलिटी मौजूद है, वही मॉलिक्यूल के अंदर होना चाहिए। तो अगर हम देखें, ये रहता काइरेलिटी, तो काइरेलिटी क्या होती है, एक वर्ड में बोलूं अगर काइरेलिटी क्या होती है, काइरेलिटी होती है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब कोई पूछे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होती है, अपने दोनों हाथ दिखा देना बस कि ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये दोनों मिरर इमेज है लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, इसी को हम क्या बोलते हैं, काइरेलिटी बोलते हैं। तो काइरेलिटी को अगर एक वर्ड में दर्शाना हो तो क्या होनी चाहिए मॉलिक्यूल की, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं हम, काइरेलिटी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल से पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। आप बहुत से बोलेंगे, जैसे तो इतना ही लिख दो काफी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल काइरेलिटी मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यानी कि ऐसे दर्पण प्रतिबिंब जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें काइरल कहते हैं। और इसी गुण को, अध्यारोपित नहीं होने के गुण को क्या कहते हैं, किरैलता, काइरेलिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, वे अणु या वस्तुएं, ऐसे वस्तुओं को छोटी सत्य अणुओं की बात करते हैं ना, हम तो अणुओं की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हमारे हाथ भी तो काइरल हैं वैसे, ये दोनों है ना, काइरेलिटी का गुण है, लेकिन हम वस्तुओं को छोड़ देते हैं, हम कर रहे हैं वे अणु या लिख लेते हैं, वे अणु या वस्तुएं जो अपने मिरर इमेज को हिंदी में बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। तुम हिंदी में बोलना दर्पण प्रतिबिंब, मैं तो मिरर इमेज ही बोलूंगी, मेरे तो लैंग्वेज में मिरर इमेज ही निकलता है मुझसे। तो वे अणु या वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर क्या नहीं होते, जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित मतलब अध्यारोपित को इंग्लिश में बोलते हैं सुपर इम्पोज, यानी एक दूसरे को कवर, पूरी तरह से कवर नहीं होते, यानी पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते, अध्यारोपित नहीं होते हैं, ठीक है। जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं किरैल, इंग्लिश में बोलते हैं, मैं तो इसको बोलूंगी किरैल, तुम बोलना, मैं बोलूंगी काइरल। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें किरैल, काइरल, या इसी को हम एक और वर्ड में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, विसम्मित, काइरल या विसम्मित, ठीक है।
वे अणु या वस्तु है जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें किरल या विषमित कहते हैं। किरल या विषमित कहते हैं। जो सुपरइम्पोज नहीं होंगे वो क्या होंगे? काइरल होंगे। क्या होंगे? काइरल होंगे। और इसी गुण को क्या कहते हैं? काइरलिटी कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं इसी गुण को किरलता, काइरलिटी कहते हैं। काइरलिटी कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लें मान लो ये है पी है। ठीक है। क्या है? पी। अब मैं अगर यहाँ पर सामने मिरर रख दू, क्या रख दू? मिरर रख दू, तो मिरर में पी कैसा दिखाई देगा? ये इधर और ये ऐसा। पी ऐसा ही तो दिखाई देगा। मिरर के अंदर पी कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। अब मैं इस पी को उठाकर इसके ऊपर रखूं तो क्या ये अध्यारोपित हो जाएंगे? क्या ये अध्यारोपित हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब ये कैसे है? ये है काइरल। पी आपस में क्या है? पी और उसकी मिरर इमेज आपस में क्या है? काइरल है। अगर मैं ये ले लूं ए, इसकी मिरर इमेज देखो, मिरर में कैसा दिखाई देगा? मिरर में भी ऐसा ही दिखाई देगा। इसको मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रखू तो क्या ये सुपर इम्पोज हो जाएगा? हाँ, ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ये क्या है? ये है ए काइरल। ये काइरल था, इसके अंदर काइरलिटी थी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज थी, इसलिए काइरल। इसके अंदर नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी नहीं थी, यानी कि इसकी जो मिरर इमेज है अगर मैं उठाकर इसके ऊपर रखूं तो पूरी तरह से सुपर इम्पोज हो जाएगी। इसका मतलब ये काइरल नहीं है। तो काइरल नहीं है, इसलिए क्या लिखा है मैंने? ए काइरल। ए काइरल का मतलब अकिरल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? अकिरल। वो तुम लोगों की लैंग्वेज है, अकिरल। ठीक है। तो क्या है? ए काइरल। तो इस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो वो क्या कहलाएगा? काइरल। और काइरल कहलाएगा, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसी गुण को हम कहते हैं काइरलिटी। क्या कहते हैं हम? काइरलिटी। ठीक है। मैंने इसको एक दूसरा वर्ड भी लिखा है। क्या लिखा है? विसम्मित। विसम्मित, विसम्मित। और डेफिनेशन में भी मैंने लिखा है किरलता पाई जाती है, या किरलता को एक और चीज भी बोलते हैं मॉलिकुलर एसिमेट्री। क्या बोलते हैं? मॉलिकुलर एसिमेट्री। तो मॉलिकुलर एसिमेट्री और विसम्मिति एक ही चीज है। इसका मतलब है मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी तरह की सम्मिति नहीं पाई जानी चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये सिमेट्री हम बोल रहे हैं सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। क्या है ये सिमेट्री? कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम जो नहीं होने चाहिए? तो हम पहले उन्हें देख लेते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और बात करेंगे। तो ये बता देती हूँ, बात करते हैं किन सिमेट्री एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम। बार बार बोल रहे हैं सममिति नहीं होनी चाहिए, नहीं। ठीक है। तो हमें देखना है, हम किरलिटी पढ़े थे, उसमें क्या होनी चाहिए? विसम्मित होना चाहिए। विसम्मित यानी नॉन सुपर, एक तो चीज ली हमने नॉन सुपर इम्पोजिबल वगैरह में, दूसरा उसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहां हम देख सकते हैं किरल अणु में, यानी कि जो हमारे जितने भी किरल अणु होंगे, किरल अणुओं में सममिति का कोई भी एलिमेंट, एलिमेंट को नहीं बोलते हैं, तत्व नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है? सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कि सममिति का तल, सममिति का तल सममिति की अक्ष, सममिति का केंद्र। ये तीन सिमेट्री एलिमेंट्स हैं और इन तीनों सिमेट्री एलिमेंट का मॉलिक्यूल के अंदर एब्सेंस होनी चाहिए।
यानी कि ये तीनों में से कोई भी सिमेट्रिक एलिमेंट्स मॉलिक्यूल के अंदर उपस्थित नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें एक कमी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कमी नहीं है एक्चुअली, एक पॉइंट है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वरना आप जब हायर क्लासेस में पहुंचोगे, एमएससी वेमएससी कुछ करोगे, तो तुम तो कहोगे कि ये बोला था एक भी सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, फिर ये कैसे आ गया। एक सिमेट्री एलिमेंट्स हो सकता है, कौन सा? सममिति की अर्थ जो काइरल मॉलिक्यूल होते हैं उनमें सममिति की अर्थ उपस्थित हो भी सकती है और नहीं भी। ऐसा नहीं कि हमेशा उपस्थित होगी ही, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बाकी तो सब अनुपस्थित होना चाहिए। सममिति का केंद्र कभी नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो अकिरैल हो जाएगा। समिति का तल नहीं होना चाहिए, होगा तो एकायरल हो जाएगा, अकिरैल है। तो इन दोनों में से तो हमेशा एब्सेंट होना चाहिए, ये दोनों तो एब्सेंट होना चाहिए। ये प्रेजेंट हो भी सकती है और प्रेजेंट नहीं हो सकती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेचारी सीधी साधी। तो तीन सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, एक तो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री और तीसरी है हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये तीन सिमेट्री एलिमेंट्स हैं जो कि अनुपस्थित होने चाहिए, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी ये दोनों तो नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है तीनों, क्या है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति की अक्ष, प्लेन ऑफ सिमेट्री सममिति का तल और सेंटर ऑफ सिमेट्री सममिति का केंद्र, क्या है ये तीनों चीज है क्या, हम कैसे पहचानेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर है भी या नहीं जब हम जानते ही नहीं कि ये है क्या। तो चलो पहले ये नहीं देख लेते हैं, प्रकाशिक समावयवता मॉलिक्यूल में हम निकालने से पहले हम यही देख लेते हैं कि ये तीनों है क्या, किसको पहचानना है कि ये नहीं होना चाहिए। अरे हम बोल रहे हैं ना नहीं होना चाहिए, तो हमें पता भी तो होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हमें पता ही नहीं है ये तीनों होते क्या, तो हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होते हैं ये। चलिए तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे किससे, सबसे पहले हम करेंगे सममिति का तल, इसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री सममिति का तल। क्या होता है ये सममिति का तल, प्लेन? मान लो कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब कैसे लूं एक मॉलिक्यूल देखती हूँ मैं अपने आसपास, कहीं कोई मॉलिक्यूल मिल जाए, मॉलिक्यूल तो मिलेगा नहीं, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसमें मैं आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री बता पाऊं। हाँ, जैसे कि ये कॉम बुक ले लिए, ठीक है, ये बुक ले लिए, ठीक है, अब मुझे इसमें देखना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, सममिति का तल है या नहीं है। ये मौजूद नहीं होती, इनका कोई एक्चुअल में कोई इनका अस्तित्व है ही नहीं, ये इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी। तो सममिति का तल क्या है? एक ऐसा इमेजिनरी तल, यानी कि एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जिससे मॉलिक्यूल को मैं ऐसे दो भागों में विभाजित कर दूं, जिससे मॉलिक्यूल को मैं क्या कर दूं, ऐसे दो भागों में विभाजित कर दूं जो एक दूसरे की क्या हो, दर्पण प्रतिबिंब हो। क्या हो? दर्पण प्रतिबिंब हो। जैसे कि ये बुक है, ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे काटूं बीच में से, बिल्कुल बीचो बीच में से काटूं, एक प्लेन ले लूं, एक इमेजिनरी प्लेन, एक्चुअल में नहीं काट रही, मॉलिक्यूल तो दिखते ही नहीं है, काटोगे कैसे? सिर्फ क्या करना है? इमेजिन करना है। क्या करना है? हमें इमेजिन, स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आपकी इमेजिनेशन क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको मॉलिक्यूल बोर्ड पर नहीं, आंखों के सामने दिखना चाहिए कि ऐसा होता है मॉलिक्यूल। देखते हैं क्या है। अगर मैं इस बुक को बीचों बीच से काटूं, बिल्कुल काटूं, एक ऐसा प्लेन मानूं, इमेजिनरी, हकीकत में नहीं काट रही, इमेजिनरी, बीच में से काटूं, तो ये दो भागों में बढ़ जाएगी, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग, और मैं इन दोनों को देखूंगी तो दोनों भाग क्या होंगे, एक दूसरे की क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, मिरर इमेज होंगे। ऐसे नहीं समझ में आएगा, मान लो ये है कागज, ठीक है, ये कागज है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। अब मैं इसे कागज को बीचों बीच में से एक इमेजिनरी प्लेन लूं, काट दूं, काट दिया, चलो मान लो मैंने इसको क्या किया, बीचों बीच से, वन मिनट, ये कागज है, ठीक है, ये प्लेन है। अब मैं क्या करूं, मुझे एक इमेजिनरी प्लेन लेना है कि मैं इसे बीचों बीच में से काट रही हूं, मानो मैंने काट दिया, अब ये दो भाग मिले मुझे, ठीक है, ये प्लेन था, प्लेन ने इनको दो भागों में बांट दिया,
अब ये ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग की मिरर इमेज है क्या? ये दोनों आपस में मिरर इमेज है? हाँ भाई बिल्कुल है, ये जैसा है ये नीचे वाला बिल्कुल वैसा ही तो है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। तो इसका मतलब इसके अंदर सममिति का तल प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है ना, यानी कि एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन, एक ऐसा इमेजिनरी तल जो अणु को दो बराबर ऐसे भागों में बांट दे जो एक दूसरे के क्या हो, दर्पण प्रतिबिंब हो, एक दूसरे की मिरर इमेज हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सममिति का तल कहते हैं। तो यहां पर लिख देंगे एक ऐसा काल्पनिक इमेजनरी, ये हम सच में नहीं कर रहे, एक ऐसा काल्पनिक तल जो जो अणु को इस प्रकार दो भागों में विभाजित करे कि दोनों भाग एक दूसरे की, एक दूसरे के दोनों भाग एक दूसरे की क्या हो, दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, दर्पण प्रतिबिंब हो, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे सममिति का तल कहते हैं। अगर कोई ऐसा प्लेन है जिससे मॉलिक्यूल को काटने पर दो मिरर इमेज मिल जाए, जिससे किसी मॉलिक्यूल को काटने पर दो क्या मिल जाए, मिरर इमेज मिल जाए, तो ऐसे तल को हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो ऐसे प्लेन को हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं हम, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है ए, तो अब मैं इसमें कहां से प्लेन लगाऊं कि जो दोनों भाग गए हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, एक ही तरीका है, मैं इसको कहां से काटूं, दो तरीके हैं एक्चुअली। अगर मैं इसे बीच में से काटूं, एक तल लगाऊं, इसको मैं क्या कर रही हूं, बीच में से काट रही हूं, तो ये वाला जो भाग है वो इस वाले भाग की क्या होगा, मिरर इमेज होगा। इसका मतलब इसके अंदर सममिति का तल है, सममिति का तल है, ये दो हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है जो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। अगर कोई मॉलिक्यूल दो पार्ट में डिवाइड हो जाए जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, तो उसके अंदर सममिति का तल मौजूद है। अगर इसके अंदर सममिति का तल है तो ये कैसा हो जाएगा, एक आयरन हो जाएगा, और एक आयरन हुआ तो फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब जैसे ये ले लू मैं बी, अब मैं इसमें कहां से प्लेन लगाऊं कि ये दो बराबर भागों में बढ़ जाए, दोनों एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज हो, तो कहां से काट सकती हूँ, मैं यहां से प्लेन लगा सकती हूँ, है ना। अगर मैं इसको यहां से काटू, इमेजिन तो करना है, अगर मैं इसको यहां से काटू तो ये वाला भाग इस वाले भाग की क्या होगा, मिरर इमेज होगा। इसका मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एक आयरन है, ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मॉलिक्यूल के अंदर ले लें, ये ले लिया हमने, एक तो COH, इधर हाइड्रोजन और इधर CH3। अब इसके अंदर बताओ क्या इसके अंदर तल मौजूद हो सकता है, कहीं मौजूद है तल, दिख रहा है तुमको, मुझे तो दिख रहा है, तुमको दिख रहा है नहीं पता नहीं, कहां से दिख रहा है, किधर है तल, किधर है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटू, यूं काटू, ठीक है, यहां से प्लेन लगाऊ, क्या करूं, मिरर प्लेन लगाऊ, मिरर लगाऊ मैं यहां से, तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन की क्या होगा, मिरर इमेज होगा कि नहीं, ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, अगर मैं इसे काट रही हूँ, तल लगा रही हूँ, प्लेन लगा रही हूँ, मैं यहां से प्लेन लगा रही हूँ, ये जो मेरा हाथ है ये प्लेन है, इधर क्या है, हाइड्रोजन, इधर क्या है, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन को ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, इसका मतलब इसमें तल है। इस वाले हाइड्रोजन, अगर प्लेन लगा रही हूँ तो हाइड्रोजन के सामने कौन होना चाहिए, हाइड्रोजन ही होना चाहिए, अगर ये कुछ और होता तो फिर प्लेन नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट कौन करेगा, हाइड्रोजन की मिरर इमेज कौन होगा, हाइड्रोजन ही होगा ना, कोई और मॉलिक्यूल तो नहीं हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, यानी कि ये वाला प्लेन इसके अंदर मौजूद है, कौन सा, ये वाला वर्टिकल प्लेन इसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक आयरन, और एक आयरन हो गया तो ये प्लेन ऑप्टिकली क्या हो जाएगा,
इनएक्टिव, इसका मतलब ये पीपीएल को घुमाएगा नहीं, पीपीएल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी रोटेट नहीं करेगा। अब देखते हैं और कौन सा मॉलिक्यूल है, देखते हैं। अगर ऐसे ले लो, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है। अब क्या इसके अंदर प्लेन मौजूद है? अब मैं इसे किसी तल से काट सकती हूँ। अब मैं अगर यहाँ से प्लेन लगाऊं, कहाँ से, सामने से प्लेन लगाऊं, तो यहाँ तो OH है और यहाँ H है। OH की मिरर इमेज H तो नहीं हो सकता है ना, ना ही H की मिरर इमेज OH हो सकता है। OH अलग है, H अलग है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज, अगर मैं यहाँ से काटूं तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर प्लेन है ही नहीं, इसका मतलब इसके अंदर प्लेन है ही नहीं। और प्लेन नहीं है तो ये क्या होगा, प्लेन नहीं है, सिमेट्री नहीं है, तो क्या होगा, काइरल। और काइरल होगा तो फिर ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव, मतलब पीपीएल को ये क्या कर देगा, घुमा देगा। पीपीएल को क्या कर देगा, घुमा देगा। तो इस तरह से हम देखते हैं सममिति का तल मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद हुआ, चाहे एक मौजूद हो, एक से ज्यादा भी तल हो सकते हैं, जरूरी नहीं मॉलिक्यूल के अंदर एक ही तल होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई एक भी दिख गया इसका मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, एक आयरन हो गया। 10 गिनने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी दिख जाए तो मतलब है कि ये पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला ये क्या है, काइरल है, काइरल है, तो इसका मतलब इसका एक और इनेंशियमर होगा, एक और होगा। एक तो पीपीएल को क्या घुमाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक को घुमाएगा लीवर रोटेटरी। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, मैं मान लेती हूँ वो इसकी मिरर इमेज है, एक मॉलिक्यूल ये है, यहाँ पर आएगा एच और यहाँ पर आएगा OH, ऊपर है COOH और नीचे क्या है CH3। ये मॉलिक्यूल था, ये इसकी क्या है, मिरर इमेज। यानी कि अगर मैं इस बीच में मिरर रख दूं, मैं बीच में क्या रख दूं, एक मिरर रख दूं, तो मिरर में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने दिखाई देगा, OH पीछे तो OH पीछे होना चाहिए, COOH और CH3 अपनी जगह पर दिखाई देंगे, एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। इसको मैं उठाऊं और इसके ऊपर रखूं, अध्यारोपित करूं, तो क्या अध्यारोपित हो जाएंगे, नहीं होंगे। इसमें OH इस साइड है और इसके अंदर OH इस साइड है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉन सुपर मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। इसका मतलब काइरेलिटी और प्लेन ऑफ सिमेट्री का एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है वो, कि ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये एक औजार है, क्या है, एक औजार है ये पहचानने का कि मॉलिक्यूल की मिरर इमेज सुपर इम्पोज होगी या नहीं होगी। अगर मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता तो इसका मतलब जो मिरर इमेज बनेगी वो क्या हो जाएगी, सुपर इम्पोज हो जाएगी और वो काइरल। और अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो गई तो फिर वो काइरल नहीं रहेगा। अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हो गई, एक दूसरे को ढक लिया, तो फिर वो काइरल नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, एक काइरल। और एक काइरल हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर हमको काइरेलिटी, एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको मॉलिक्यूल के अंदर काइरेलिटी चेक करनी है कि काइरेलिटी है या नहीं है, सिर्फ एक चीज चेक कर लीजिए, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वो सीधा सीधा एक ही बात होगा कि वो आपस में क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, यानी कि उनकी मिरर इमेज एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगी। इसका मतलब कि वो क्या होगा, काइरल होगा, और काइरल होगा तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। लेकिन काइरेलिटी, हालांकि अब इसकी जरूरत नहीं है बताने की तुमको, लेकिन फिर भी तुमको पता होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा जब उसके अंदर काइरल सेंटर होगा। क्या होगा, काइरल सेंटर होगा, यानी कि बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिनमें काइरल सेंटर नहीं है, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। काइरल सेंटर क्या होता है, असममिति का केंद्र, जिसे बोलते हैं हम असममिति केंद्र, काइरल सेंटर। तो वो क्या होता है, वो मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, आप रिवाइज करके देखिएगा। एक ऐसा कार्बन जिसपे संकरण क्या हो,
sp3 हो, एक ऐसा कार्बन जिस पर sp3 संकरण हो और जिससे चार अलग अलग समूह जुड़े हुए हों, तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं, काइरल सेंटर। और जहां पर काइरल जिन मॉलिक्यूल के अंदर काइरल सेंटर होता है, और एक खास बात जिन वो आगे बताएंगे, अभी जरूरत नहीं उसकी, आगे बताएंगे। तो काइरल सेंटर क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज हो और जिससे चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हो, उसे क्या बोलते हैं, काइरल सेंटर। अगर मॉलिक्यूल के अंदर काइरल सेंटर मौजूद है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन ये एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप ऐसे मॉलिक्यूल्स भी पढ़ेंगे जिनमें सेंटर काइरल सेंटर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। वो हम आगे देखेंगे, अगर आपके सिलेबस में होगी तो आगे पढ़ लोगे, नहीं तो फिर आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाकर पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल हम आगे चलते हैं, और भी सिमेट्री एलिमेंट पढ़ने हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, बाकी हम कायर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या ना हो, देखे ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेन देख लो, अगर एक प्लेन भी दिख गया आपको तो सीधे सीधे मॉलिक्यूल एक कायरल हो जाएगा, फिर वो प्लेन पोलराइज लाइट को कहीं भी नहीं घुमाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगली है हमारी समिति की अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है ये, जैसे समिति का तल था इमेजिनरी, वैसे हम एक्सिस भी मान लें इमेजिनरी, यानी कि एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस, एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस। मान लो मैं यहां से मान लो मॉलिक्यूल के बीचों बीच से एक एक्सिस जा रही है, एक क्या जा रही है, एक्सिस जा रही है, जिसको मैं घुमाऊं तो मॉलिक्यूल भी क्या होगा, घूमेगा, रोटेट होगा। तो जिससे एक ऐसी एक्सिस जिससे मॉलिक्यूल को रोटेट करने पर, 360 डिग्री रोटेट करने पर अगर हमको सेम मॉलिक्यूल वापस मिलता है, तो इसका मतलब उसके अंदर सममिति की अक्ष मौजूद है। हालांकि 360 डिग्री जरूरी नहीं रोटेशन हो सकता है 180 डिग्री पर मिल जाए, हो सकता है 120 डिग्री पर मिल जाए, हो सकता है 180 डिग्री की रोटेशन हो, ज्यादा भी हो सकती है। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो होती है वो एन ऑर्डर की होती है, किस ऑर्डर की होती है, एन ऑर्डर की होती है। ये आपको आगे आने वाली क्लासेस में पता चलेगा जब आप हायर स्टैंडर्ड। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वह काल्पनिक अक्ष जिससे किसी अणु को घुमाने पर, जिससे किसी अणु को घुमाने पर समान बिंदु एकांतर रूप से दिखाई देते हैं, जिसे एकांतर रूप से दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, उसे सममिति की अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास ये है, इसको ले लिया हमने, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं यह एन ऑर्डर की होती है, ठीक है, और ये भी लिख देते हैं इसे सी एन प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को सी से प्रदर्शित करते हैं, और एन क्या है इसका ऑर्डर, एन क्या है इसका ऑर्डर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से, और एन क्या है इसका ऑर्डर, यानी कितने ऑर्डर की एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। फॉर एग्जांपल जैसे ये ले लिया हमने वाटर, इसको मैं 1 और इसको 2 मान लूं, ठीक है, अगर मैं मानूंगा यहाँ पर से क्या जा रही है, एक इमेजिनरी एक्सिस पास हो रही है जिस पर से मैं मॉलिक्यूल को घुमाऊंगी, कितना 180 डिग्री, कितना घुमाऊं 180 डिग्री पर से मैंने इसे घुमाया, क्या इससे घुमाया 180 डिग्री से घुमाया, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, घूम जाएगा, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया 180 डिग्री से, ये एक्सिस जा रही है, इससे घुमाया, ये मॉलिक्यूल ऐसे पलट गया, H1 इधर आ गई, H2 इधर आ गई, ठीक है, क्या ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, सेम इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन है, हाँ है,
कितने डिग्री से घुमाया, 180 डिग्री से। यानी यहाँ पर ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं टोटल रोटेशन का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। यानी कि अगर मैं इसे दोबारा 180 डिग्री से घुमा दूं, दोबारा 180 डिग्री से घुमा दूं, तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, H2 इधर आ जाएगा और H1 इधर, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम। तो टोटल रोटेशन कितने डिग्री की हुई, 180 प्लस 180 टोटल कितनी हुई 360 डिग्री। यानी कि एक ऐसी एक्सिस जिससे 360 डिग्री पर किसी मॉलिक्यूल को घुमाने पर सेम मॉलिक्यूल वापस मिल जाए, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो सब में होती है, 360 डिग्री पर अगर हम घुमाएंगे तो मॉलिक्यूल जहां था वहीं पर वापस आ जाएगा, यानी जैसा था वैसा ही मिल जाएगा। लेकिन बीच में हमको देखना है कि सिमिलर पॉइंट्स मिल रहे हो, ये भी तो H2 है, ये भी तो H2 है, बस क्या हो गया फेस चेंज हो गया, ये अप फेस है तो ये क्या हो गया डाउन फेस है, फिर से अप फेस आ गया, तो 360 डिग्री। लेकिन एक बार हमने कितने डिग्री से घुमाया, 180 डिग्री, डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है सी टू, क्या मौजूद है सी टू, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है सेकेंड ऑर्डर की। सेकेंड ऑर्डर की मतलब हमें मॉलिक्यूल को कितने डिग्री से घुमाना है, 180 डिग्री से घुमाएंगे तो ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल इसकी क्या होगी, मेरा इमेज तो नहीं लेकिन क्या होगी, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। यानी 180 डिग्री से घुमाऊंगी तो मुझे सेम मॉलिक्यूल H2O जैसा ही मॉलिक्यूल प्राप्त होगा, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। नहीं समझ में आया, जैसे ये है बीच में ऑक्सीजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है। 180 डिग्री मतलब पूरा 180 डिग्री का चक्कर लगाना है मुझे, ठीक है। 180 डिग्री में मतलब पूरा 180 डिग्री का चक्कर लगाना है आपको, नहीं मैं तो 90 डिग्री से घुमाऊंगी, घुमा लो, ये घुमाया तुमने 90 डिग्री, क्या ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक जैसा है, 90 डिग्री से घुमाया तुमने ऐसा मिलेगा, क्या ये दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन है, नहीं है, क्योंकि ये सामने की तरफ ओरिएंटेड है, कैसा है ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन ऐसे ओरिएंटेड होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। मैं शुरुआत कहां से लेकर चली थी, ऐसे मॉलिक्यूल से, 90 डिग्री घुमाने पर एक हाइड्रोजन तो दुबक गया, पीछे की साइड चला गया, जबकि मैंने जो ओरिएंटेशन ली थी, मैंने जो मॉलिक्यूल लिया था उसमें दोनों हाइड्रोजन दिखाई दे रहे थे, 90 डिग्री से घुमाऊंगी तो एक हाइड्रोजन पीछे दुबक जाएगा, दिखाई नहीं देगा, यानी इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन नहीं है। तो कितने से घुमाना पड़ेगा, ये था मुझे इसे पूरा 180 डिग्री से घुमाना पड़ेगा। अब ये क्या पहले जैसा दिखाई दे रहा है, हाँ भाई अब तो पहले जैसा दिखाई दे रहा है, अब ये पहले जो हमारा H2O मॉलिक्यूल था दोनों हाइड्रोजन दिखाई दे रहे थे वैसा ही दिखाई दे रहा है, यानी कि इक्विवेलेंट, इसको क्या बोलते हैं, अगर एक जैसा मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाए उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। लेकिन क्योंकि ये H1 इधर है और H2 इधर है तो ये इसकी ये आइडेंटिटी नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, क्या ये और ये सेम है, सेम नहीं है, इसमें H1 इधर है जबकि इसमें H1 इधर है, सेम नहीं है, क्या है इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे है, सेम नहीं है, तो एक जैसी इमेज प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन ये और ये दोनों सेम है, हाँ ये दोनों सेम है, अगर मैं 360 डिग्री घुमा दूं तो सेम प्राप्त होगा, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, ये और ये क्या है आपस में आइडेंटिटी है, क्या है एक दूसरे की आइडेंटिटी। तो 360 डिग्री घुमाने पर हमें क्या प्राप्त होती है, आइडेंटिटी, यानी जो मॉलिक्यूल हमने लिया था बिल्कुल वैसे का वैसा ही प्राप्त हो जाता है। तो ये जो एक्सिस जिससे हमने इसे घुमाया यही क्या कहलाती है, ये जो एक्सिस हमने इमेजिनरी एक्सिस मानी जिससे हमने इसे घुमाया वही कहलाती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो कि एन ऑर्डर की होती है, यानी डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पर हम कितने डिग्री से घुमाएं, जरूरी नहीं 180 से घुमाएंगे, हो सकता है किसी मॉलिक्यूल को 120 डिग्री से घुमाना पड़े, हो सकता है किसी मॉलिक्यूल को 60 डिग्री से घुमाना पड़े, किसी को 90 डिग्री से घुमाना पड़े, तो ये अलग अलग ये डिपेंड करेगा किस पर, एन पर, जितने डिग्री से हम घुमा रहे हैं टोटल एंगल कितना रहता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को हम इसको मान लें थीटा, ये क्या है थीटा, तो एन फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा मतलब जिस एंगल से हम इसे घुमा रहे हैं तो उसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 2 आया, तो इसके अंदर जो एक्सिस थी इसको हम नाम क्या देते हैं, ये जो एक्सिस इसके अंदर मौजूद है H2O के अंदर, ये कौन सी एक्सिस है, C2 एक्सिस है, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है सेकंड ऑर्डर की, जिसमें हम मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से घुमाते हैं, तो ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बाकी के सिमेट्री एलिमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एक और बचा सिमेट्री एलिमेंट उसे अगले लेक्चर में समझेंगे, और अगर किसी को अभी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो अगले लेक्चर में हम थोड़े और एग्जांपल्स कर लेंगे। अभी के लिए थैंक यू।